हेलो बुकड़ो, मेरा नाम है कांशा और आपको पता है मैं हमेशा की तरह आपके लिए कुछ अलग लेके आ रही हूँ। आजकल कुछ अलग अलग चीज़ें ढूंढ रही हूँ। आज मेरे पास सिर्फ ये 50 रुपये हैं और दोपहर का टाइम है और इस वक्त मैं हूँ आशियाना में और मुझे लगी है जोरों वाली भूख, पर पैसे बड़े कम हैं यार। तो देखते हैं, हम फूड ब्लॉगर हैं, हमें 50 रुपये में क्या क्या मिल सकता है। और इस 50 रुपये में मैं आशियाना जो कि आलमबाग के आगे पड़ता है, आपको पता ही होगा आशियाना के बारे में। तो आज चेक करेंगे हम 50 रुपये में क्या क्या खा लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, ये भैया क्या यहाँ पे मिलती है वेज बिरयानी, बहुत ही बढ़िया, जो कि सिर्फ 20 रुपये की मिलती है। वीडियो बनाने से पहले भी मैं खा चुकी हूँ यहाँ पे, इनकी बिरयानी बहुत ही लाजवाब है। तो आज देखिए इस 50 रुपये में हम क्या क्या खाते हैं, और भैया से पूछेंगे हमें कुछ गोलगप्पे वगैरह फ्री में खिला दो तो वो भी खा लेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और इनकी बिरयानी खाते हैं। आ जाओ, आप इसमें मैम इसमें पड़ा है चाट मसाला, ग्रेवी और क्या नाम है प्याज लगा के पूरा देते हैं जी। नींबू में भी डालते हैं क्या? नींबू ऑलरेडी ग्रेवी में रहता है। चलिए फिर फटाफट दीजिए, देखते हैं खा के स्वाद बताते हैं लोगों का। सिर्फ 20 रुपए की ये वेज बिरयानी है और साफ सफाई की बात करें तो बहुत ज्यादा साफ सफाई है, और इसे पहले भी खा चुकी हूँ मैं, आज एक बार और फिर से एक बार आपके लिए। ये देखिए इसमें पनीर भी मिलेगा आपको, मटर भी मिलेगी, सोया बरी भी मिलेगी, प्याज भी मिलेगा। टेस्ट की बात करें भाई, 20 रुपए में भरपेट मिल रहा है। आज तो मेरा लंच आशियाना में स्ट्रीट पे ही होगा। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब बिरयानी तो हमने बहुत जगह खाई होगी, पर ऐसी बिरयानी मुझे बहुत अच्छी लगी भाई, एक नंबर। आप ही हमें कमेंट करके बताइए अगर आपने आके इससे पहले कभी वेज बिरयानी ट्राई की है कि नहीं, और अगर नहीं ट्राई की है तो मेरी रिकमेंडेशन पे एक बार इनकी बिरयानी भैया ज़रूर ट्राई करना। उसके अलावा यहाँ के गोलगप्पे भी भाई लाजवाब होते हैं। अभी हमारे पास बचे हैं ये 30 रुपये और हमने देखा पीली वाली के मशहूर छोले भटूरे, दिल्ली वाले। जी हाँ, यहाँ पे दिल्ली वाले छोले भटूरे मिलते हैं, इनके पास चलते हैं। और भीड़ तो बहुत ज़्यादा लगी है, देखो दिखा देते हैं फटाफट। और यहाँ देखते हैं 30 रुपये में क्या क्या मिल जाएगा। पैसे बड़े कम है और भूख जोरों वाली लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भी खानी है मुझे सिर्फ आपके लिए, कि आप भी ऐसे घर से निकले और ये एडवेंचर करके देखें। तो देखते हैं यहाँ पे छोले भटूरे कितने के मिल जाए। तो भैया वाकई में आप दिल्ली वाले छोले भटूरे खिला रहे लोगों को? तो कितने रुपए का खिला रहे हैं? 40 रुपए की प्लेट। और अगर हम एक सिंगल भटूरा लेंगे तो 25 रुपए का देंगे। तो एक सिंगल भटूरा हमारे लिए निकाल दीजिए, बढ़िया गर्मा गर्म। तो ये देखिए यहाँ पे हैं छोले, ये छोले आप बनाते हैं दिल्ली स्टाइल वाले। उसके अलावा भटूरे भी हैं इनके पास, पूड़ियाँ भी हैं। कितने बजे आ जाते हैं? 8:30 बजे सुबह। और ज़्यादा कितने बजे यहाँ से? और लोकेशन क्या लगती है यहाँ की? आशियाना सेक्टर के जो ये पेट्रोल पंप देख रहे होगे आप, ये पेट्रोल पंप के जस्ट इधर में आपको मिल जाएगी बीरबल जी की मशहूर छोले भटूरे। बीरबल की खिचड़ी सुनी थी भैया, आप तो छोले भटूरे खिला रहे हैं बीरबल के। ये दूसरी शताब्दी है, 2024 के हैं बीरबल। तो आपने बीरबल के खिचड़ी तो खाई होगी, आज हम आपको बीरबल के छोले भटूरे खिला रहे हैं भाई। हवा में उड़ाइए उसको कुछ ऐसे करते हुए। रुमाली रोटी उड़ता, ये नहीं उड़ता है। रुमाली रोटी बोले तो उड़ा देता, ये नहीं उड़ता है। तो उड़ाऊंगा तो मेरा मुंह जल जाएगा। रुमाली रोटी बोले तो उड़ा देता मैं। खिला रहे ये भटूरे भाई साहब, आज तो मजा आ रही है। सिर्फ 25 रुपए में मिल रहा है, और क्या चाहिए भाई। पहले मैं अपना फेवरेट काम कर दूँ, उसको छोड़ दूँ फटाफट। हाय हाय हाय, बड़ी गर्म है। ऐसे गरम गरम कभी भटूरे खाए आपने? खाए तो हमें कमेंट करके बताइए कैसे लगते हैं आपको गर्मा गर्म भटूरे। ये हमें मिला एक भटूरा, उसके साथ में छोले
और उसके साथ में प्याज और मिर्ची भी मिला है। बड़ा गर्म है। भाई 25 रुपए के हिसाब से ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट दे रहे हैं ये, वाकई में दिल्ली स्टाइल दे रहे हैं छोला। भाई अच्छा है, भीड़ बल के हिसाब से भीड़ भी अच्छी ताजी है और टेस्ट भी अच्छा लग रहा है। अगर आप स्ट्रीट फूड लवर हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट होने वाली है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, बस नमक थोड़ा ज़्यादा है छोले में और वो चल रहा है थोड़ा बहुत, तो भटूरे वटूरे के साथ चलता है। आशियाना में रहते हो तो आपका फेवरेट छोले भटूरे वाला कौन है हमें कमेंट करके बताना। अब 5 रुपए बचेंगे हमारे पास सिर्फ, तो देखते हैं 5 रुपए में क्या मिलेगा। ये बड़ा चैलेंज होगा कि मैं 5 रुपए में क्या खा के आपको दिखाती हूँ, तो वीडियो में बने रहना। तो अभी बचे हैं सिर्फ मेरे पास 5 रुपए और इन 5 रुपए में आज के ज़माने में तो आपको पता ही है कुछ नहीं होता है। मैंने सब जगह करके देख लिया, मुझे कहीं नहीं मिले, पर ये भैया खस्ते वाले पीछे लगा के रखे हैं। जाते हैं इनसे सेटिंग करके आते हैं और देखते हैं ये खस्ते मुझे 5 रुपए में खिलाएंगे कि नहीं, या मुझे और ज़्यादा पैसे देने होंगे। क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? हमें भी कुछ नहीं पता है, तो वीडियो में बनते हैं, एंड तक बने रहना, जाना कहीं भी नहीं। तो चलते हैं भैया से पता करते, देखते हैं ये देते हैं कि नहीं 5 रुपए में कुछ। हमने ले लिया है ये, थोड़ी बहुत सेटिंग के बाद भैया ने हमें ये खिला दिया है। ये वैसे 15 रुपए का है, तो हमने पैसे नहीं बचा, हम आपका एक वीडियो बना देंगे। भैया ने हमें 5 रुपए में खिला दिया है, तो आप भी कभी जाइए ऐसे और इस तरीके का पत्तल पे लेके खाना खाइए। और अभी मैं इसको टेस्ट भी कर लेती हूँ ना, आपको बताना ज़रूरी है टेस्ट कैसा है। पहले बताइए हमें कॉमेंट करके आपने पत्तल पे इस तरीके से कभी खाया है कि नहीं खाया है, और नहीं खाया तो एक बार ज़रूर ये ट्राई करिएगा, क्योंकि जो स्वाद और टेस्ट आता है ना पत्तल पे खाने का, वो कहीं पे भी नहीं है। तो जो पत्तल पे खाने का मज़ा है ना भाई, वो कहीं पे भी नहीं है। ये देखिए हमने पत्तल में लिया है ये, बढ़िया। इससे पहले मैंने एक सीरीज़ करी थी लखनऊ में, टॉप 5 खस्ता कहाँ पे मिलते हैं, और ये खस्ता उनमें से एक नहीं था, पर इसका टेस्ट भी अच्छा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही चैलेंजेस आप चाहते हो कि मैं आपके लिए करती रहूँ तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। फाइनली मेरा आज का लंच बहुत अच्छा हुआ, जहाँ पे मैंने स्टार्ट की वेज बिरयानी से, फिर उसके बाद हमने खाए दिल्ली के मशहूर छोले कुलचे, छोले भटूरे खाए थे सॉरी, और उसके बाद हमने खाया ये मटर की चाट, मटर और खस्ता। तो ओवरऑल 50 रुपये में हमने ये भरपेट खाना खाया। आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आप भी ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताइए, और ज़रूर जाइए ऐसा कुछ करने ट्राई करने, क्योंकि कुछ मज़ा आएगा, कुछ अलग करेंगे आप। और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो भर भर के शेयर भी कर देना। और हाँ, अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमें आप नेक्स्ट कौन सा वीडियो में बनाना है तो हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम वैसा ही ब्लॉग बनाएंगे आपके लिए। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आप सब अपना ध्यान रखिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिला गाजियाबाद रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।